सभी को सुप्रभात। मैं शिष्य पांडे, बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह है। अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं श्री मंगल सिंह सुमन। श्री है मंगल सिंह सुमन की रचना जल रही है दीप, जलती है जवानी, हमने शुरू कर रखा है। लंबी कविता है, इसमें बताया है कवि ने, जल रही है दीप, जलती है जवानी, कि तुम मनाते हो जिसे कहकर दीपावली या दिवाली, तुम मनाते हो जिसे कहकर दिवाली, यह प्रथा नूतन, यह नहीं कोई प्रथा नूतन पुरानी, सॉरी निराली। कहते हैं दीपावली का जो पर्व मना रहे हो आप, हर वर्ष दीपावली मना रहे हो, ये परंपरा नई नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। अब इसी के माध्यम से कवि ने जो शोषित वर्ग, जो कौन सा वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके प्रति कवि की क्या है, संवेदनाएं हैं, संवेदना प्रकट की है। किस प्रकार से की है बताया है कि आज की दीपावली है जो घरों में खुशियां मनाई जाती है, लेकिन फिर भी जो श्रमिक वर्ग है, जो निर्धन वर्ग है, वो क्या है, उनके आदर सूखे, क्या बताया, आदर सूखे पिचकेगा, पिचके गा, उनके होठ है वो सूख चुका है, उनका जो गाल है वो चिपक चुका है, और पहले बताया दीन कोटरहीन आंखें, दीन कोटरहीन आंखें। तो कवि ने बताया है शोषित वर्ग के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। कौन सी रचना है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, तो बताया जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी के अंतर्गत आज जो शोषित वर्ग है उनके अदर सूखे हुए हैं, पिचके गाल हैं और आंखें हैं, वो तो बताया है कि कोटर में आंखें दस्तर एक घोंसले की बांधती या केलों के खड्डे की बांधती हो चुकी है। अब फिर आगे बताया कि उनकी जो जीवन है वो किस प्रकार से है, उनका जीवन एक पतंगे की बनती है जो छठ पटाता है, पतंगा दीपक जला दो उस पर आएगा, अपने आप को क्या कर देगा, उस पे नुछाप कर देगा, छठ पटाता है। इसी प्रकार श्रमिक का जो जीवन है उसका वर्णन किया कि चारों तरफ से किसी प्रकार से स्नेह नहीं है, स्नेह नहीं है और क्या बताया है कि ऐसा स्नेह नहीं है, स्नेह से नव मतिका के पात्र खाली, स्नेह की नव मतिका खाली, ये जो स्नेह रूपी जो पात्र है, क्या पात्र वो क्या खाली है, जिस हृदय में क्या पनपना था, प्रेम पनपना था, वो प्रेम आज क्या है, नहीं है, किसी के हृदय में प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। यही कवि ने श्री मंगल सिंह सुमन ने बताया कि आज हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दीन है उनके हृदय में क्या है, उनका हृदय है कि वो प्रेम का पात्र नहीं समझते, उसको एक बबूल की भांति उसको समझते हैं। बबूल का पेड़ देखा होगा आपने, एक उसको क्या त्राज्य वस्तु मानते हैं, निर्वासित मानते हैं, उसी प्रकार जो रंग गरीब है उनको ऐसा माना है। तो कवि ने आगे क्या बताया, ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया है कवि ने हमारे सामने कि जो श्रमिक वर्ग है या जो गरीब वर्ग है, ऐसा वातावरण पैदा हो चुका है कि उनके जो क्या बताया है कि उग रही है कीटाणु की पसले पल्ले, अनुपम वर्षता खो गई है मानव हृदय की सब सस्ता, मानव का हत्या है, उनमें प्रेम नहीं पनपता, हर तरफ से क्या है ये बदबू
दर वातावरण प्रस्तुत हो गया है, दर पर दर फैली है बदबू और निकट सब सड़न से। अब ये कवि ने आज का वातावरण प्रस्तुत किया। तो साथ साथ में कवि ने बताया है कि पहले जब राम का राज्य था तब क्या था, तब बताया है कि युगों पहले एक दिन अंधेरा हो गया था। राम के बारे में बताया है कि एक ऐसा समय आया, युगों से पहले के समय के बारे में बात बताई कि चारों तरफ से अंधकार छा गया था। कौन सा अंधकार? कि युगों पहले एक दिन यूं ही अंधेरा हो गया था। सूर्य शनि तारे छिप सहसा सवेरा हो गया था, ऐसा अवसर आया, चारों तरफ से अंधकार छा गया। सूर्य चंद्रमा शनि ये सारे क्या है? अपना जो सवेरा होना था वो सवेरा नहीं हुआ, रात्रि काल में तब्दील हो गए। और क्या बताया? एक काला हाथ उषा की ललाई को धो गया था। एक ऐसा हाथ जो सवेरे को एक काली माँ लिए हुए हाथ था वो धो गया था। गर्द वह कुछ होना चाहिए था वह हो गया था। कवि ने यह संकेत किया है कि एक खुशहाल वातावरण था, और ऐसे खुशहाल वातावरण में क्या हुआ कि रावण आया, जो काला हाथ लिए हुए था, जो आंता का प्रतीक बताया है, रावण आया है, चारों तरफ से निराशा व्याप्त हो चुकी है। फिर बताया कि जो पहले अत्याचार अंधकार का छाया हुआ था, और उसने जो क्या बताया कि कहीं पर आशा की कोई ज्योति दिखाई नहीं देती थी, रावण अंधकार का क्या था? प्रतीक था। ऐसा रावण के बारे में बताया कि सूर्य चंद्रमा तारे शनि ये अपनी क्या है सवेरा खो चुके थे, और ऐसी दिशा में कौन आया था? यहाँ रावण आया था। और रावण किसका प्रतीक बताया है? रावण प्रतीक है वो है यहाँ पर अत्याचारी। कविता अपने श्यामपट पर लिखना असंभव है, काफी लंबी पर कविता है, इसलिए मैं आपको यहाँ साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। ये जो कविता है उसका अपने जो सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप अपने अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह की जो पुस्तक है वो हो आपके साथ तो आसानी रहेगी समझने में। चले आगे। क्या बताए? नव दौर नव कृषि सभ्यता का राम बन रम रहा था। नव दौर कृषि सभ्यता का राम बन रम रहा था। कारवा यावरों का बस रहा था, जम रहा था। झोंपड़े में ज्योति जीवन की प्रदीप जला गई, और धरा की बेटी मनुज व्याहता बन आ गई थी। कवि ने एक फिर नई आशा की किरण यहाँ जगाई है। क्या बताना चाहते हैं कवि? कवि कहता है, बताया है कि राम का जो युग था ये कृषि सभ्यता का युग आया। राम का युग आया, कृषि सभ्यता का युग आया। लोग पहले घुमक्कड़ थे, उन्होंने आज ये है वो बसना शुरू कर दिया, एक झोंपड़ी के माध्यम से एक जगह रहना सभी ने प्रारंभ कर दिया। सभी के हृदय में प्रेम पनपना शुरू हो गया। तो क्या बताया है कि धरा की बेटी यानी कि राजा जनक की बेटी के साथ परिणित हुई है राम से, ये बताना चाहे कवि ने कि और ये भी बताना चाहता है जनक की पुत्री के माध्यम से कि ये धरा है वो हरी भरी हुई, चारों तरफ से फसलें व्याप्त हुई, चारों तरफ से फसलें पैदावार हुई। अब ऐसी पैदावार हुई तो घरों में क्या आया? अन्न आया। अन्न आने के बाद में सभी का जीवन क्या खुशहाल व्यतीत होने लगा। फिर कवि ने आगे क्या बताया है कि जिसने जनक ने धरती सिवे ज्योति सिवे बोई, और हल की नोक लक्ष्मी उर्ज उभरी खोई। जमाना बाहुबली का था, स्वयंवर बहाना था। जमाना बाहुबली का था, स्वयंवर बहाना था, जिसे पाना पिनाकी के धनुष पर ज्यों चढ़ाना था। फिर आया है कि धनुष की हिल नहीं सकता था, धनुष जो हिल नहीं सकता था वह अचूत हुए बिना निशाना मिल नहीं सकता था। यहाँ कवि ने बताया है कि राजा जनक ने स्वयं हल लेकर इस धरा को क्या है बीज बोया है, और जिससे चारों तरफ फसलें पैदावार हुई, और ऐसी फसलें पैदावार अन्न हुआ तो चारों तरफ से खुशियां व्याप्त हुई। फिर बताया है कि हल की नोक से लक्ष्मी उभर कर खोई थी, कि जैसी राजा जनक ने हल को चलाया तो खेतों में अन्न पैदा हुआ, लक्ष्मी पैदा हुई। और फिर बताया है कि श्री राम
राजा जनक ने अपनी पुत्री की शादी के लिए स्वयंवर रचा और स्वयंवर में शर्त क्या थी कि शिव के धनुष को जो उठाएगा वो ही सीता के साथ क्या फेरे लेंगे। तो यही बात यहाँ बताई, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था, बहुबली का जमाना था और जो इसमें क्या ताकत की क्या ली जाती थी, परीक्षा ली जाती थी, वही यहाँ राजा जनक ने किया। तो बताया कि शिव का धनुष ऐसा उठाने में असमर्थ थे, दूर दूर के राजा महाराजा आए और सिंहासनों पर विराजमान हुए और अहंकार के साथ आए, लेकिन वो शिव के धनुष को उठा नहीं सके। जैसे राम आए घन श्याम बन के आए, और कहते हैं कि राम जैसे आए उस शिव धनुष को उठाया तो जो ऐसी शोक की आग लगी हुई थी, सभी का हृदय जल रहा था कि ये शिव का धनुष कौन उठाएगा। जैसे श्री राम ने वो धनुष उठाया तो कहते हैं कि जो तरु सूखे हुए थे, पेड़ सूखे हुए थे, उनमें भी कोबले निकल आती है, वो भी हरियाली छा जाती है। जैसे कोई किसी कोई व्यक्ति को प्यासा हो, हाय पानी करता फिरता हो, उसको क्या मिल जाए, पानी मिल जाए, उसको तृप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर सभा में बैठे विराजमान लोगों को क्या हुई, तृप्ति हुई। यही बात यहाँ श्री मंगल सिंह सुमन बताना चाहते हैं। आगे क्या बताया है, धनुष राम ने तोड़ा, बने घनश्याम ने तोड़ा, ये धनुष था श्री राम ने उठाया तोड़ा उसको। तो कहते हैं कि यह तो निर्माण करना था, पुराना हो गया था, अब पुरानी परंपरा को त्याग कर नई परंपरा में प्रवेश करना था, धनुष तो एक क्या था, बहाना था। फिर क्या बताए, राम के साथ जोड़ते हुए कवि श्री मंगल सुमन ने यह आधुनिकता की ओर प्रवेश करते हैं। तो बताया है कि हुई आश्वत भय भीता, कहते हैं पहले मन में जो भय था वो भी अब क्या हो गई, आश्वत हो गई है। और तीली धरा मिली सीता, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, क्योंकि अब श्री राम और सीता का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। फिर बताया कि दिशी दिशी दुबंडी दमकी, चारों दिशाएं से नगाड़े बजने शुरू हो गए, नाद बजना शुरू हो गया, ऐसी आवाज मधुर आवाज व्याप्त हुई चारों तरफ से, वही गीता चारों तरफ से एक ही आवाज आई कि राम ने धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को किसने तोड़ा है, राम ने तोड़ा है। यही आवाज ऐसा नाद चारों तरफ से फैलना शुरू हुआ। तो क्या बताते हैं आगे, किया जिसने अहल्या का शीला का, जो राम एक ऋषि के श्राप से ग्रसित अहल्या थी उसका भी क्या किया, उदार किया, जो पत्थर बनी हुई शिला थी कौन अहिल्या, उसका उदार किया। और क्या बताएं, जिससे परनीता और किसके साथ शादी हुई है, किसके साथ फेरे लिए हैं, सीता के साथ। फिर क्या बताया, धरा के आकर्जा लिए हरमाला चलती थी, ये सबने दीप जल रहे थे, अंधेरे चलती थी, दूर अंधेरा व्याप्त था, उसमें दीपक जल गए तो चारों तरफ से रोशनी होगी। रोशनी यहाँ क्या है, एक आशा का प्रतीक है, एक खुशी का प्रतीक है। यही बात यहाँ बताई कि चारों तरफ से छाती में चलती थी, चारों तरफ से खुशी खुशियां व्याप्त हुई। आगे कवि ने क्या बताया है कि गड्ढा धन पा गया, मानस खेती लहराती थी। जैसे किसी व्यक्ति को गड्ढा हुआ धन प्राप्त हो जाए, कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार जो यावावर वर्ती के जो लोग थे, वो मकड़ वर्ती के जो लोग थे, अब एक जगह आकर कृषि करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ है कि उनके खेतों में अन्न उपजना शुरू हो गया है, उनके खेतों में अन्न उपजना शुरू हो गया है। कहते ना खेत में खड़ी ज्वार लहराती है, कहती है कि मेरे यौवन को बढ़ने देना, जैसे केदारनाथ अग्रवाल की कविता आपने कभी पढ़ी होगी, इसी प्रकार से यहाँ बताया है कवि ने। फिर आगे क्या बताया है, क्या कहते हैं कि गेहूं बहलाता था, मक्का महलाती थी, फसलों के नाम बताए हैं, साथ में उनके जो यौवन छाया हुआ है उसके बारे में बताया, खेतों में खड़ी सरसों की फसलें, उधर गेहूं की फसलें अपने यौवन में क्या करती है कि लहराती है, महकाती है, चारों तरफ से खुशियां खुशियां व्याप्त होती है, ऐसा बताया। फिर बताया है कि अलसी आंख मलती थी, देखो एक मानविक अलंकार के माध्यम से, एक अनुप्रास उपक अलंकार के माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि जो अलसी की फसलें थी वो आंखों को मलती थी, यानी कि आंखों को ऐसा जैसे सोई हुई अब क्या हुई है, जागृत हुई है। और बताया है जो ज्वार आता था, जुओं में तो ऐसा हुआ उफान ही आ गया, जो कि फसल थी उसमें उफान आ जाता है, नैन में सेवपन डलते थे, आंखों में सपने जो सजोए रखे थे वो पूर्ण हुए,
अब क्या हुए, पूर्ण हुए हैं। लहराती झूम जाती थी फसलें, जवानी में लहराती झूम जाती है ऐसी फसलें वहां पे राम राज्य में पैदा हुई है। फिर क्या बताए कि फसलें उठती जवानी लहराती झूम जाती है, हवा तो हाथ आगे बढ़े झुककर उठाती है जैसे हवा चली। अपने जो फसलों का यौवन है वो क्या हुआ, उथल पुथल हुआ उसमें। और फिर बताया है लिपटे खुद पे झूम जाती है फसलें, एक दूसरे पर गिरती हुई, एक मानवीय अनुकार के माध्यम से बताया फसलें एक दूसरे पर गिरती हुई अपने आप को क्या कर रही है, आलिंगन कर रही है, आनंदित हो रही है ऐसे फसलें व्याप्त हुई है। फिर आगे क्या बताया, हृदय से हृदय मिलते थे। देखो एक पंक्ति ध्यान से सुनो, हृदय से हृदय मिलते थे, अदर से अदर मिलते थे। ये फसलों के बारे में बताया है कवि ने यहाँ से मंगल सिंह सुमन ने, अदर से अदर मिलते थे। और फिर बताया नई कोपले निकलते थी, हंसी के फूल खिलते थे। ऐसा जब राम ने सीता के स्वयंवर के बाद की स्थिति के बारे में बताया, राजा जनक ने जब जैसे ही धरा पर हल चलाया तो उसमें ऐसे लक्ष्मी वहां पे लक्ष्मी का क्या हुआ, पड़ा हुआ घड़ा मिला, यानी चारों तरफ से फसली फसली पैदा हुई है। तो आगे क्या बताया, निकट जब आती जाती लज्जा भाग जाती है, जैसे फसलों के पास जाया जाता है तो लज्जा के मारे ऐसा अपने आप को लज्जा महसूस कर रही है। और क्या बताया है, गर्द दीप माला जला करती धरती पर। और दीपावली का जिस प्रकार से पर्व मनाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, इसी प्रकार से कवि ने यहाँ बताया है कि हृदय में किसी कारण है समाया हुआ लज्जा भी मान भी वो भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। समाज में सद्भाव से हो का वातावरण चारों तरफ से फैल जाता है, ऐसा स्नेह रूपी दीपक जब जलता है तो चारों तरफ से खुशियां खुशियां होती है, यही कवि ने बताया है। समृद्धि किसी कारण मानव जीवन में आई खुशियाली, जब हमारे पास थोड़ी खुशी की बात आती है चेहरा खिल उठता है। वही बात यहाँ आई है, जब किसानों के खेतों में फसलें पैदा हुई तो क्या हुआ, उनका चेहरा उनके हृदय वो खुशी से भर चुका है। और आगे बताया कवि ने ये संकेत किए है कि जीवन में आए हुए बदलाव की ओर यहाँ पे संकेत किए है कवि ने। आगे की पंक्ति में क्या बताते हैं देखो, आगे बताया कि दीपों के नया त्योहार घर घर जगमाता था, ऐसा दीपावली का पर्व मनाया जाता था कि दीपकों की क्या जलाई जाती, कतारे में दीपों को जलाया जाता था। और आगे क्या बताया है, फिर कहते हैं कि छलकता स्नेह पग पग धुन गुनगुनाता था, जब पैदावार ऐसी हुई हर व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रेम ही प्रेम पनपता था, जैसे कबीर ने कहा है, प्रेमी ढूंढ तबे तुम प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दल होए, कितने प्रेम करने वालों को ढूंढता फिरता हूँ इधर। अब ये सारे प्रेम ही प्रेम करने वाले आपस में मिले तो उनके हृदय में क्या हुआ, स्नेह पनपा, सभी के हृदय में सूखा हुआ पिल हृदय सूख चुका था स्नेह के कारण, अब वो उनके हृदय में क्या पनपा है, प्रेम पनपा है, स्नेह पनपा है। तो क्या बताया, छलकता स्नेह पग पग धुन गुनगुनाता था। और फिर बताए पावन नद निर्जर रवानी रवानी थी, पावन हवा हवा का जब झोंका आता था उन पशुओं के से होकर जब आता था तो उसमें खुशबू व्याप्त होती थी, वो खुशबू सभी के हाथियों पर वो बोछार करती थी खुशबू पवन के माध्यम से। और ऐसा ही वहां पर झरने जो थे उनसे भी खुशियां ही खुशियां मिलती थी, क्योंकि वो उनका जीवन का क्या था, साधन था। ऐसा मनुष्य में स्नेह पूर्ण व्यवहार करने पसंद रहते थे, उस समय वायु नदी नाले झरने सभी मनुष्य प्रकृति की क्या देते थे, प्रेरणा देते थे, एक प्रकृति की क्या देते थे, प्रेरणा देते थे चारों तरफ से। फिर क्या बताए आगे, नई ज्योति से पिंडों में तमस की कुछ न चलती थी, महामारी ने कुछ दाल गलती थी, किसी प्रकार की न तो महामारी थी ऐसी उनकी दाल ही नहीं गल पाती थी यहाँ पर। आगे क्या बताया, विषमता देने करुणा भूख धुन धुन रोती थी। देखो जिनका कवि ने यहाँ बताया है कि उस समय क्या बताया है कि दीनता और भूख तो थी नहीं, वो तो रोती थी। और फिर बताया जगमग ज्योति हर दे में जलन हो कह जलन होती थी, सभी के हृदय में एक खुशी की ज्योति व्याप्त थी।
फिर आगे बताने के बाद में कवि ने फिर बताया, ऐसा वातावरण खुशी का चल रहा था, उस समय फिर अंत की रावण का प्रवेश होता है। और जो रावण है वो अत्याचारी का प्रतीक है, ऐसे में उस समय फिर किसका प्रवेश होता है, रावण का प्रवेश होता है। रावण प्रवेश करता है तो क्या बात बनती है उसके बारे में बताया है कवि आगे। आगे क्या कहते हैं कि जो जग को लाने के लिए रावण बुला लाई थी, ए दम तम क्रूर वर्ती धवस धावस बुला लाई थी, ऐसे समय में एक वहां पे कवि ने या सुमंगल सुमन ने जल रहे हैं दीप जलती है जवानी याद करना, ये तो अपनी कविता का नाम है। इसमें बताए हैं कवि कहते हैं तामसिक शक्तियों की जगत को बुलाने के लिए रावण ने रावण का आह्वान किया था। तामसिक प्रवृत्ति थी, ऐसी प्रवृत्ति में किसका उदय हो जाता है, तामसी प्रवृत्ति का रावण का उदय हो जाता है उस समय। और वो रावण था वो अत्याचारी था है, तो कहते हैं कि वो धवस दावत बुला लाई थी, वो जो धवस करने वाला था इस सभी को रुलाने वाला था वो आ गया है। तो क्या कहते हैं हरी खेते बस्ती जल पलावल बुला लाई थी, जो खेतों में फसलें लहरा रही थी उनको भी पानी में डुबाने के लिए आमंत्रित हो चुकी थी, क्योंकि प्रवेश किसका हो चुका है रावण का। आगे बताया है आगे हजारों घर उजाड़े दीपावली खुद मनाई थी, रावण का जैसे प्रवेश हुआ तो उसने हजारों घरों को उजाड़ दिया है, उनको उजाड़ने का आशय उनका वध कर दिया, और खुद आपने क्या मनाई थी दीपावली बनाई थी, और बताए चमकते सवन कलशों गरीबों की कमाई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रावण की जो सोने की जो लंका थी आज उस पर कंगूरे लगे हुए थे, कलश लगे हुए थे सोने के, वो कहते हैं गरीबों की कमाई थी, यानी गरीबों का शोषण कर करके उसको बनाया था। ऐसे सियासत पर विराजमान कौन हुआ, क्रूर शासक रावण हुआ। फिर आगे बताया है कुबेर ओस इंद्र जिसके द्वार पर दरबानी करते थे, ये बड़े बड़े जो देवता है ये तो उनके दरबानी करते थे। कौन कब ये जैसे बताया है इंद्र है और कुबेर है, ये तो उनके दरबानी करते थे, इतने जो वश में कर रखे थे किसने क्रूर रावण ने। तो ये यहाँ तक हमने चर्चा की। अब रावण का प्रवेश होता है उसके बाद में कवि ने यहाँ पे जो समाज की दुर्दशा है उसके बारे में प्रकाश डाला है। तो आज हम यही विराम देते हैं, बची हुई कविता कल हम उन पर सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। कल हम श्री मंगल सिंह सुमन की बची हुई कविता जल रहे हैं दीप जलती है जवानी को पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। तब तक आप इस कविता को साथ साथ में अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह को पास में रखें, पढ़ते रहें। आशा करता हूँ कि आपकी ये कविता है आसानी से सुनने आ जाएगी। छोटी कविता को मैं कैंपट पे अंकित कर देता हूँ, ये बड़ी कविता है इसलिए लिखने में समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए अपना जो पाठ्यक्रम है समय सीमा पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको मौके की समझा रहा हूँ। आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।